दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बाहरी बताते हुए उनके उस बयान के लिए गुरुवार को एक बार फिर उन पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली वालों को मुफ्त बांट की आदत पड़ चुकी है। दरअसल केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली के लोग मेहनती हैं, जिन्होंने शहर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। एलजी सर, आप बाहर से आते हैं और हो सकता है कि आप दिल्ली और इनके लोगों को पूरी तरह से नहीं समझे हों। कृपया दिल्ली के लोगों का अपमान ना करें। बता दें, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित दिल्ली 2041 न्यू मास्टर प्लान नामक एक कार्यक्रम में बुधवार को सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली के लोग अब मुफ्त चीजों के आदि हो गए हैं। सक्सेना की इस टिप्पणी को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पानी बिजली सेवाओं पर दी जा रही रियायत पर कटाक्ष माना जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती, पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। ये दावा करते हुए कि उनकी सरकार दूसरों की तरह किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। आप संयोजक ने सवाल किया, दिल्ली सरकार अन्य सरकारों की तरह भ्रष्टाचारों में शामिल नहीं है, ये पैसा बचाती है और लोगों को सुविधा प्रदान करती है, आप इससे परेशान क्यों हैं? बता दें, इससे पहले आपने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया था। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था की चिंता का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। इसके अलावा पार्टी ने उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के कामों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया था।